दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव के बाद आया मैदान पर हार्दिक पांड्या का तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए रोमांचक मैच में कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की अर्धशतकीय पारी के बाद हार्दिक पांड्या ने अंतिम ओवर में अपने बल्ले से मैदान पर ऐसी आग लगाई जिसके सामने बांग्लादेश के गेंदबाज भी खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे कप्तान रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव के बाद हार्दिक पांड्या ने बांग्लादेश के मुंह से जीत छीन कर इतिहास रच दिया, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही में इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, IPL के समाप्त होने के बाद T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में भारतीय टीम लग चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय टीम अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आज बांग्लादेश के खिलाफ एक रोमांचक वार्म अप मैच खेला, जहां पर इस मैच में बांग्लादेश की टीम की कप्तानी संतो ने की तो वहीं भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा ने की। इस बीच रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल सही साबित हुआ था। आपको बता दें, इस अभ्यास मैच में बांग्लादेश की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत लिटन दास और सौम्य सरकार ने की। यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के खिलाफ तूफानी शुरुआत देते हुए अपना अपना अर्धशतक पूरा किया। इस पावर प्ले के अंदर 84 रन बिना विकेट खोकर दोनों ने बटोर लिए थे। लेकिन इसी बीच 10वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने दोनों बल्लेबाजों को अर्धशतक लगाने के बाद एक ही ओवर में आउट कर दिया और मैच के अंदर शानदार वापसी कर ली। इस बीच पहले लिटन दास को 50 रनों के स्कोर पर LBW आउट कर दिया और इसी ओवर में दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे सौम्य सरकार को विकेट कीपर के हाथों 53 रनों पर कैश आउट कराया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान संतो और रदोयो मैदान पर आते हैं, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने कर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का काम किया। लेकिन इसी बीच 14वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने रदोय को 15 रनों के स्कोर पर सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कराया, तो वहीं दूसरी तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए कप्तान सौम्य सरकार को 17वें ओवर में अर्धशतक लगाने के बाद 58 रनों के स्कोर पर जसप्रीत बुमराह ने कॉट एंड बोल्ड कर दिया था, जिसके बाद शाकिब अल हसन और महमूदुल्लाह दोनों अंत तक 27 और 26 रन बनाकर नाबाद योगदान देकर पवेलियन चले गए, जिसके चलते बांग्लादेश की टीम ने 20 ओवर में 222 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे और भारतीय टीम को 223 रनों का लक्ष्य दिया। हालांकि 223 रनों के मजबूत लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा ने की, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत शौरिफुल इस्लाम ने की थी, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का काम किया। इस दौरान दोनों ने मजबूत शुरुआत देते हुए पावर प्ले के अंदर भारत को 71 रन बिना विकेट खोकर बनाने दिए। लेकिन इसी बीच 7वें ओवर में गेंदबाजी के लिए जैसे ही मेहदी हसन मैदान पर आए तो उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को 45 रनों के स्कोर पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन मैदान पर आए तो वहीं गेंदबाजी के लिए शाकिब अल हसन ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए संजू सैमसन को काफी परेशान किया, लेकिन संजू सैमसन ने काफी ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाला। संजू सैमसन और रोहित शर्मा दोनों ने टीम को आगे ले जाने का काम किया। इसी बीच संजू 10वें ओवर के अंदर गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के सामने 24 रनों पर LBW आउट हो जाते हैं, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए जिन्होंने कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर टीम को संभाला। इस बीच कप्तान रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम को आगे ले जाने का काम किया। लेकिन इसी बीच 15वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा भी अपना विकेट दे बैठे, जहां पर वो 70 रनों के स्कोर पर गेंदबाज तस्कीन अहमद की गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर आए थे जिन्होंने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर टीम को संभाला। इस दौरान सूर्य कुमार यादव अपने अर्धशतक के करीब बढ़ने लगे और ऐसे में तब जाकर रोमांच हो गया जब जीत के लिए भारतीय टीम को 3 ओवर में 44 रनों की आवश्यकता पड़ी थी। इस दौरान अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 18वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसी बीच 19वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए तस्कीन अहमद ने मैच को काफी रोमांचक बना दिया था, जहां पर उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पहले सूर्य कुमार यादव को 58 रनों के स्कोर पर बाउंड्री पर खड़े शाकिब के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर आए तो वहीं दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत को इसी ओवर में 24 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने जडेजा मैदान पर आए और मैच रोमांचक स्थिति पर आ गया, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ओवर के अंदर जबरदस्त गेंदबाजी करने के कारण ओवर के अंदर मात्र 12 रन दिए गए थे और दो बड़े विकेट देखने
देखने को मिले और ऐसे में अब मैच के अंदर अंतिम 6 गेंदों पर भारतीय टीम को 17 रनों की जरूरत पड़ी थी, जहां पर अंतिम ओवर में गेंदबाजी के लिए मुस्तफिजुर रहमान को बुलाया गया। इस बीच गेंदबाज ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या को परेशान किया और पहली गेंद बाउंसर के रूप में डाली, जिस पर पांड्या एक भी रन बनाने में असफल रहे। हालांकि दूसरी गेंद एक बार फिर से गेंदबाज ने हार्दिक पांड्या को आउट करने का प्रयास किया और लंबी गेंद डाली, जिस पर हार्दिक पांड्या ने पॉइंट की तरफ छक्का लगा दिया था। इस बीच इस गेंदबाज ने हार्दिक पांड्या को तीसरी गेंद स्लोअर वन डाली, जिस पर हार्दिक पांड्या ने लंबा छक्का लगा दिया और ऐसे में अब चौथी गेंद को यॉर्कर डालकर हार्दिक पांड्या को एक भी रन नहीं बनाने दिया। ऐसे में अंतिम 2 गेंदों के अंदर 6 रनों की आवश्यकता पड़ी, जहां पर हार्दिक पांड्या के सामने गेंदबाज ने एक बार फिर से यॉर्कर गेंद डालने का प्रयास किया था, लेकिन ये सही जगह पर नहीं गिरी और हार्दिक पांड्या ने सामने की तरफ छक्का लगाकर 27 रनों की पारी खेलते हुए भारत को अभ्यास मैच में जीत दिलाई, जिसको देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी खुश हुआ है और ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद T20 वर्ल्ड कप में आगे भी करने लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम वार्म अप मैच में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। दोस्तों, भारतीय टीम के कोच बनने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने सभी के सामने रखे 3 मांग, जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, IPL के समापन के साथ भारतीय टीम के नए कोच को लेकर खोजबीन प्रारंभ हो गई है। इस बीच महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे आगे भारतीय टीम के कोच के तौर पर आ रहा है। इस बीच महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम के कोच बनने को लेकर चुप्पी तोड़ते हुए 3 ऐसी मांग रखी है जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम के नए कोच बनने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने कौन सी बड़ी 3 डिमांड की, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी गौतम गंभीर में किस खिलाड़ी को भारतीय टीम का नया कोच बनाना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, IPL 2024 का समापन हो चुका है, जिसके बाद अब T20 वर्ल्ड कप के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बीच भारतीय टीम के नए कोच को लेकर खोजबीन चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, BCCI ने IPL के दौरान भारतीय टीम के नए कोच के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें कई दिग्गज भारतीय हैं, तो वहीं कई दिग्गज विदेशी खिलाड़ियों ने भी अपना नाम दिया था, जिसके बाद अब कुछ नाम स्पेशल सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें स्टीफन फ्लेमिंग, गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे आगे चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्टीफन फ्लेमिंग और महेंद्र सिंह धोनी ने IPL में चेन्नई को काफी ज्यादा सफल टीम बनाया है, तो वहीं गौतम गंभीर ने कोलकाता की टीम को भी सफल बनाते हुए इस साल IPL चैंपियन बना दिया। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी को ही भारतीय टीम के नए कोच के तौर पर शामिल किया जा सकता है। लेकिन इस बीच जब पत्रकार ने महेंद्र सिंह धोनी से इस बारे में पूछा, तो MS धोनी ने 3 बड़ी मांग BCCI से रख दी। दरअसल MS धोनी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम का कोच बनना काफी बड़ी बात होती है और अपने देश के लिए कप्तान बनने के बाद अब मैं कोच बनकर टीम को चैंपियन बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। हालांकि हमारी टीम का प्रदर्शन हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा शानदार रहा था, लेकिन हमारी टीम चैंपियन नहीं बन पाई, लेकिन इस बार हमारी टीम को T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनना है और अब हमारी टीम को 3 ICC टूर्नामेंट को बहुत जल्दी जीतना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय टीम के पास में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। लेकिन अब मैं भी कुछ बड़े बदलाव करने के लिए टीम में कोच बनने के लिए तैयार हूँ, जिसमें सबसे बड़ी मांग इस समय टीम को नए कप्तान के साथ खेलने की है, जिसमें रोहित शर्मा को टीम की कप्तानी से अब तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा को 3 फॉर्मेट में कप्तान बनाने का उद्देश्य काफी ज्यादा खराब है और ऐसे में मेरा मानना है कि रोहित शर्मा की जगह पर टीम के उपकप्तान हार्दिक पांड्या को ही कप्तान बना दिया जाए, जो काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी और कप्तानी के जरिए टीम को मजबूती दिला सकते हैं। इसके अलावा MS धोनी ने दूसरी बड़ी शर्त के बारे में 2 बड़े टीमों को बदलाव करने के लिए रखी है। इस बीच उन्होंने अब रोहित शर्मा को T20 फॉर्मेट से बाहर करने के लिए मांग कर दी और ऐसे में उनकी जगह पर अब ओपनर के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल कर लिया जाए, जो कि अच्छी सलामी बल्लेबाज है। इतना ही नहीं, टीम के अंदर फिनिशर के तौर पर रिंकू सिंह को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि रिंकू सिंह के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड काफी शानदार हैं और ऐसे में इस खिलाड़ी को टीम के अंदर शामिल न कर पाना भारतीय टीम के लिए नुकसानदायक होगा। और इन्हीं मांग के बाद भारतीय टीम के कोच बनने के बारे में वो विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, T20 वर्ल्ड कप के लिए MS धोनी को कोच बना दिया जाना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, IPL 2024 का समापन हो चुका है, जिसके बाद T20 वर्ल्ड कप के लिए सभी टीमें तैयारी में लग चुकी हैं। इस बीच भारतीय टीम भी अमेरिका पहुंच
पहुंचकर तैयारी में लग गई है।